हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल में। हम आज लेके आए हैं SKEMEI का 1610 मॉडल और इसका टाइम सेटिंग, पूरा सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। ये है SKEMEI का 1610 मॉडल, ठीक है। और ये थोड़ा पतला भी है, थोड़ा छोटा भी डायल है। जो जो छोटा डायल पसंद करते हैं उनको पसंद आता है ये और उनको सूट करता है। जो बड़ा डायल पसंद करते हैं तो इनको वो सूटेबल नहीं है, ठीक है। ये मतलब दोनों लेडीज़ भी यूज कर सकते हैं, जेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जिसको छोटा डायल पसंद है। चलिए शुरू करते हैं। ये है, आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स है पहले, ठीक है। ये अपना नॉर्मल टाइम मोड, अलार्म मोड, स्टॉपवॉच मोड, डुअल टाइम मोड, टाइमर मतलब काउंटडाउन टाइमर, जो चाहिए जनरल, मतलब आप लोगों को जो चाहिए एक वॉच में सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो इसका मैं दिखा देता हूँ कैसा टाइम सेटिंग होता है। ये देखिए, इसका लाइट दिखा देता हूँ पहले। वाओ, सुपर लाइट, इसमें ब्राइट लाइट आता है। और ये वाइट मतलब डायल के साथ जो वाइट डिस्प्ले है, तो आपको धूप में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है दिखने में। बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका डे, ठीक है। डे बोले तो वीक का डे। ये आवर, ये मिनट, ये सेकंड। ये है आपका मंथ, ये है आपका डेट, ठीक है। ये है ऑटो, ये जो डे सेटिंग होता है ना, ये ऑटोमेटिक होता है। आपको ये मंथ, डेट और ईयर सेट करने से ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ अभी कैसा करना है। कभी भी टाइम सेटिंग करना है आपको, ये नॉर्मल टाइम सेटिंग मोड में ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये है नॉर्मल से टाइम सेटिंग, जो कि आप कभी भी हाथ में घड़ी पहनते हो ना, ये डिस्प्ले रहता है कभी भी, ठीक है। चलिए इसको कैसा है करते हैं। पहले ये जो राइट साइड का नीचे का की है, प्रेस करके होल्ड करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लेफ़्ट साइड का नीचे का की प्रेस करिए। प्रेस करने से आपका ये जो है आवर ब्लिंक हो रहा है। आवर ब्लिंक होने के बाद ये ऊपर का की प्रेस करते जाइए। ये देखिए, ये PM आ गया, मतलब अभी 12:12 का टाइम हुआ। इसको आप AM भी कर सकते हो, प्रेस करते जाइए, ऑटोमेटिकली वो PM 12 के बाद नीचे आ जाएगा, ठीक है। आपका जो भी जितना जब टाइम सेटिंग करते हो आवर देख लीजिए, उसके बाद वो आवर सेट कर दीजिए। उसके बाद ये की प्रेस कर दीजिए, मिनट सेट ब्लिंक हो रहा है, मिनट सेट करते जाइए, ठीक है। मिनट सेट हो गया आपका, फिर बाद में ये की प्रेस करिए। ये देखिए, ये अभी ये कभी कभी बोलते हैं कस्टमर भूल जाते हैं, इसको ध्यान नहीं देते, लेकिन ये मस्ट है। आपका डे प्रॉपर दिखाना होगा तो इसको सेट करना पड़ेगा। ये ईयर ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। इसको प्रेस करते जाइए। अभी 2023 है, मैं 2023 कर देता हूँ, हो गया। फिर बाद में अभी हमारा मंथ ब्लिंक हो रहा है, अभी अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ है बोले तो चार सेटिंग कर देंगे, चार कर देंगे इसको, हो गया। अभी फिर इसको प्रेस करने से हमारा डेट ब्लिंक हो रहा है, डेट ब्लिंक कर देंगे, इसको सेटिंग कर देंगे। ये ऊपर का की प्रेस करके आज है 3 तारीख 4 तारीख, मैं सेट कर देता हूँ। अभी हो गया हमारा टाइम सेटिंग कंप्लीट। अभी इसको एक बार प्रेस करके छोड़ देने से ये देखिए ट्यूसडे ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। इसको कोई सेट करने का ज़रूरत नहीं, ईयर मंथ डेट सेट कर दीजिए, आपका
डे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और कभी कभी कोई बोलता है 12 आवर 24 आवर करना है, कैसा करना है, जस्ट नॉर्मल टाइम मोड में ये की प्रेस करके छोड़ दीजिए। नहीं सर, इसमें 12 आवर 24 आवर का ऑप्शन नहीं है, तो कुछ नहीं। सॉरी, आ गया ना यहाँ, यह देखिए, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोल दिया, ये 24 आवर यहाँ दिख रहा है, देखिए तो आपको इफेक्ट ये दिखेगा कैसे, मैं दिखाता हूँ। इसको पीएम करने से ये जो आवर है ये इफेक्ट दिखेगा आपको, गलत बोल दिया था, सॉरी, माफ़ करिएगा। अभी पीएम आ गया ना, अभी आपको इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। एक के प्रेस करने, देखिए 24 आवर आ गया। क्या करते हैं, दो कर देते हैं, देखिए, ठीक है, अभी 24 आवर का टाइम आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप 24 आवर नहीं चाहिए तो एक की प्रेस कर दीजिए, आपका नॉर्मल 12 आवर का फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद आता है अलार्म, ठीक है। अलार्म का सेटिंग मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए, ऊपर ये आ रहा है ना, आपको स्नूज का बटन है, मतलब 1 आवरली ब्लिंक का, ये देखिए स्नूज आ गया, ये अलार्म बजेगा, ये स्नूज आ गया, मतलब आवरली स्नूज करेगा। इसको बंद कर देने से आपका अलार्म भी नहीं आएगा, आपका आवरली बीप भी नहीं आएगा, ठीक है। ये जो स्नूज का है कि सेटिंग, अलार्म मोड में जाके तभी राइट की नीचे का प्रेस करने से आपको अलार्म का स्नूज का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। इसको भी सेम सेटिंग है आपका, ये प्रेस करके होल्ड करिए, अलार्म आवर ब्लिंक हो रहा है, इसको सेट कर दीजिए। उसके बाद एक प्रेस करके आपका टाइम मिनट सेट कर दीजिए, ठीक है। और आपको चाहिए डेट, कौन सा डेट में चाहिए वो भी सेट कर सकते हो, अगर डेली चाहिए तो डेट सेट नहीं करना, ठीक है। तो हो गया ये हमारा अलार्म सेटिंग, अगर ये बंद है तो आपका अलार्म नहीं बजेगा, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच स्टार्ट करने का ये की है ऊपर का, स्टॉप वॉच हमारा स्टार्ट हो गया। इसको बंद करने के लिए ये की प्रेस करके एक बार बंद कर दीजिए, नीचे का की प्रेस करने से 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ड्वेल टाइम मोड, मतलब आप इंडिया में रह के कोई दूसरा कंट्री का भी टाइम सेट कर सकते हो, ठीक है। सेम सेटिंग है, ये की प्रेस कभी भी ध्यान रखिएगा, ये मॉडल में नीचे का की प्रेस करने से आपका सिलेक्ट होगा, ये की प्रेस करने से आपका चेंज ओवर होगा, ये की प्रेस करने से आप सेटिंग करोगे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट ये है टाइमर मोड, टाइमर भी सेम सेटिंग से चलता है, बस हो गया अपना टाइम सेटिंग। देखिए ये ओरिजिनल वॉच है, हमारे पास ओरिजिनल वॉच मिलता है, ठीक है। ये देखिए ये क्यूआर कोड के साथ आता है, SKMEI का टैग आता है, SKMEI का टैग आता है, मैनुअल आता है, ठीक है, मैनुअल के साथ सब एक्सेसरीज के साथ आता है, ओरिजिनल वॉच है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली एक लाइक करिएगा, कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।